की कदर हर जगह होती है पहली बात तो, और जहाँ तक रेफरेंस की बात है या गॉडफादर की बात है या किसी के रिकमेंडेशन की बात है तो वो सेकेंडरी होता है। एक फिल्म के अंदर या एक सीरियल के अंदर कुछ करेक्टर होते हैं जो आपकी पर्सनैलिटी से मैच करते हैं, तो आपका जो सिलेक्शन है उसके आधार पे होता है। और आप उनको पूछें कि ये करेक्टर कैसा है, या जो ऑडिशन हो रहे हैं वो कौन कौन से करेक्टर के लिए हो रहे हैं, उसकी एज ग्रुप क्या है, उसके लिए एज ग्रुप के अलावा बॉडी फिगर कैसा है, उसके लुक्स क्या हैं, तो हर चीज़ के बारे में जब आप डिटेल में बात करेंगे तो वो भी ये जज कर लेगा कि आप जो है वो राइट डायरेक्शन में हैं। बेशक वो उस समय काम दे सके या ना दे सके, लेकिन वो माइंड में आपको रखेगा। ऑनलाइन सभी रहते हैं, ज़रूरी भी नहीं है कि आप बॉम्बे जाओ। आप अपना जो भी पोर्टफोलियो है या जो आपका प्रोफाइल है वो आप उसको रिकॉर्ड करें, वीडियो बनाएं, और जो अच्छे कोऑर्डिनेटर हैं आप साइट पे जाएंगे तो बहुत सारे कास्टिंग एजेंसीज होती हैं, बट वो थोड़ा बहुत चार्ज भी करते हैं कई बार। आप देख लें कि उसमें फेक ना, फेक वाले जो होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे की डिमांड करते हैं और लड़कियों को कम, लड़कों को ज़्यादा ये देते हैं, इम्पोर्टेंस कम देते हैं। तो ऐसा होता है कि अगर आपको ऐसा लगता है, किसी भी लड़की को या लड़के को या किसी को भी ऐसा लगता है कि कोई फेक व्यक्ति है और वो आपसे पैसे की डिमांड कर रहा है या आपसे कह रहा है कि आप उससे पोर्टफोलियो बनवाएं, 50,000 लगेंगे या 1,00,000 लगेगा या 75,000 लगेगा, कोई भी ऐसी बात करता है तो आप कमर्शियल चीज़ों पर मत जाइए। उसको बोलिए सर मेरे पास जब काम होगा तो मैं डेफिनेट ये कर लूँगा। आप अगर टैलेंटेड हो तो टैलेंट से बड़ी कोई चीज़ नहीं। आजकल ऐसा नहीं होता, आजकल सिलेक्टेड लोगों को जब आप प्रोफाइल देते हो या कास्टिंग डायरेक्टर को वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करते जी, उनको आपको कुछ कहने के लिए समय नहीं है। आज का समय जो ऐसा है आपसे वो क्या करते हैं, ऑनलाइन बोलते हैं कि सर आप ऑनलाइन ऑडिशन दीजिए, ऑनलाइन चलता है। अब कल फिजिकली वो तब होता है जब स्क्रिप्ट वो कर रहे होते हैं फाइनल, कुछ आर्टिस्ट हो जाते हैं उनका वो लुक टेस्ट पर्सनली लेता है, अदरवाइज ऑनलाइन होता है। आजकल लोग वेट कंटिन्यू करते हैं और किसी के पास टाइम नहीं कि वो किसी के साथ मिसबिहेव करे या कोई ऐसी बात करे, तो नहीं आ जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि लोग उनको पहचान मिले, पहचान मिलना ही इम्पोर्टेंट। आपको लोग देख के ये पहचान जाए कि ये फलाना व्यक्ति ये है, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। आप बड़े से बड़े जितने प्रोड्यूसर देखो, डायरेक्टर देखो, आर्टिस्ट देखो, 20-20 साल के बाद, 30-30 साल के बाद भी वो संघर्ष करते हैं। आप नॉर्मल भी जब बातें करते हैं लोगों से तब भी आप एक कलाकार रहते हैं। शॉर्टकट के लिए लाइन नहीं है, हमेशा यही समझाया जाता है, शॉर्टकट नहीं है इस लाइन, हार्डवर्क है, मेहनत है, ईमानदारी है, ऑनेस्टी है। आप जितना ज़्यादा अपने आप को लगाओगे, मेहनत करोगे, कला प्रेमी बनो। हाँ, आप कला प्रेमी बनना बिल्कुल सही बात है जो भाई, कला अगर आप हैं तो आप एक अच्छे कलाकार ऑटोमेटिकली बनेंगे, क्योंकि आप अपने अंदर से जब तक अपनी कमियां नहीं निकालेंगे तो शायद ही आप अपने आप को एक बेहतर कलाकार देख पाएंगे स्क्रीन पे या नॉर्मल स्टेज पे, कहीं पर भी जब आप अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। जब भी आप उसमें जाएं ऑडिशन में जाएं तो सबसे पूछें, वो ऑडिशन के टाइम पूछ के जाएं कि सर कैसा लुक चाहिए, साड़ी पहननी है, सलवार सूट पहनना है, वेस्टर्न पहनना है, या किस तरह का पहनना है, सर किस तरह का रोल है और किस तरह का ये है। तो लड़कों के लिए तो जनरली वो होता है चल जाता है, लेकिन लड़कियों को भी ये पहले प्रिपेयर करके जाए।